चिदंबरम और उनके चिपकू वकील कपिल सिब्बल को जिस बात का डर था कोर्ट में वही हो गया। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से घिरे कपिल सिब्बल को उम्मीद थी कि उनके मुवक्किल को इतनी लंबी पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो कुछ और गया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में काफी देर तक जिरह होती रही और आखिर में कोर्ट ने चिदंबरम को 19 सितंबर तक तिहाड़ भेजने का फैसला सुना दिया। चिदंबरम अब 14 दिन तक तिहाड़ में चिपक कर बैठे रहेंगे। चिदंबरम को ये कभी अंदाजा भी नहीं होगा कि आईएनएक्स मीडिया केस में उनकी ऐसी हालत हो जाएगी, लेकिन अब जो हो गया है उसे स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचा होगा। चिदंबरम के तिहाड़ जाने से अगर कोई मंद मंद मुस्कुरा रहा होगा तो वो अमित शाह होंगे, जिन्हें एक वक्त में जेल में रहना पड़ा था और उस वक्त चिदंबरम ही गृह मंत्री थे, लेकिन वक्त के पहिए में दबे चिदंबरम अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। 19 सितंबर तक चिदंबरम जेल में यही सोचते रहेंगे कि काश अमित शाह को जेल ना भिजवाया होता। चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने चिदंबरम को जेल जाने से बचाने की कोशिश अपनी फीस के मुताबिक ही की। जैसे कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया, फौरन कपिल सिब्बल ने ईडी को सरेंडर करने की एप्लीकेशन दायर कर दी, लेकिन कोर्ट ये खेल समझता है, इसलिए सरेंडर की सुनवाई को गुरुवार तक टाल दिया गया। मतलब किसी भी हाल में अब चिदंबरम को तिहाड़ जाना ही पड़ गया। अगर अब चिदंबरम 14 दिन जेल में ही रहने के बाद छूट भी जाते हैं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि सलाखों में कैद रहने का दाग उनकी सफेद कमीज पर शाह ने लगा ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।